उसे पा लिया, उसका चक्र अपने आप ही टूट जाएगा। वो इस संसार को देख देख करके हंसने लगेगा कि बड़ा आश्चर्य होता है। जब मछली जल के अंदर रह करके भी प्यासी होती है तो बड़ा आश्चर्य होता है। तो आपके अंदर और बाहर परमात्मा होते हुए भी आप उसको नहीं जान पा रहे। मन लो विक्षेप और आवरण के ये जो पर्दे पड़े हुए हैं बीच के अंदर, ये भ्रम है, इसको तोड़ देना होगा, तब हमें जागृति होगी। अहंकार को भुला देना होगा, एक दूसरे को जानने की कोशिश की बजाय हम अपनी स्वयं की कमियों को दूर करते चले जाएं, उसे बड़ा आत्मलाभ होगा। क्योंकि हम जितनी दूसरों की कमियों को खोज करते चले जाएंगे, शायद उतनी ही कमियां हमारे अंदर उससे भी ज्यादा। हम अपनी कमियों को तो नहीं गिन पा रहे, क्यों? क्योंकि हमारा जो अहंकार है वो हमें सच्चाई स्वीकार करने से बार बार रोकता रहता है। मैं उस जीत को बड़भागी मानता हूँ और बड़ा श्रेष्ठ मानता हूँ जो अपनी गलती स्वीकार करके और आगे न करने का प्रण लेता है। ये कोई छोटा मामूली काम नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है। क्योंकि जीवन में कभी गलती न हो, ये बहुत ही श्रेष्ठ बात है, बहुत ही श्रेष्ठ बात है। और आप लोगों की तो दूर है, हम तो स्वयं की भी कभी खोजते रहते हैं कि हमारे अंदर ही कोई ऐसा विक्षेप पैदा न हो जाए। ये उस परम चेतन सत्ता के कहने के बावजूद भी, उसके ये कहने के बाद भी, अब जो भी कुछ होगा वो मेरे आदेश से होगा। तुम कठपुतली हो मेरी, जिस तरह से हम चलाएंगे उसी तरह से चलते चले जाओगे। उसके इस आदेश के बाद भी फिर भी मैं खोजता रहता हूँ, क्यों? क्योंकि हमें फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए, फिर भी लगन रहनी चाहिए, ताकि उस मैं अपने गुरु को मौका नहीं देना चाहता कभी भी किसी भी शिकायत का। आज तक हमने उसको कोई मौका नहीं दिया। हाँ, ये और बात है कि जो उसकी इच्छा हुई उसका आदेश का पालन करते चले गए। ये और बात है कि मैंने उसके आदेश के बारे में भी एक बार तो सोचना पड़ा मुझे भी कि क्या ये मेरे गुरु का ही आदेश है, कहीं माया का तो नहीं, कहीं मुझे भ्रमित तो नहीं कर देगा, कहीं मुझे पथ भ्रष्ट तो नहीं कर देगा। लेकिन हमने जब तह तक जाके खोजा, जब सोचा विचार किया, और एक बार नहीं, आप लोगों के बीच ही ऐसे जीव बैठे होंगे जिनको ये आदेश आए होंगे। क्योंकि हो सकता है मैं एक, कभी कभी तो मैं ऐसा भी करता हूँ, स्वयं पर ही भरोसा नहीं कर पाता, और उसी परम चेतन सत्ता के ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप ये जो आदेश दोगे उसी का पालन होगा और आपके आदेश से कुछ भी बाहर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सदा से है, वो भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाला है, तीनों कालों को जानने वाला है। क्योंकि जब उसका आदेश आता है तो हमें बिना सोचे समझे पालन कर देना चाहिए। तो उसके आदेश आने के बाद भी, बार बार आदेश आने के बाद भी एक कदम ऐसा हमें उठाना पड़ा, मुझे भी सोचने का विचार करना पड़ा। लेकिन बहुत ही गहराई में उतरते हुए हमने 100 बार सोचा होगा, 1,00,000 बार विचार किया होगा, न चाहते हुए भी हमने उसके आदेश का पालन किया है। तो मेरे जो जहां तक बुद्धि कार्य करती है, आप लोगों से आज तक ऐसा कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ हो जहां पर इतने गहराई तक विचार करना पड़ा हो, जहां
धर्म और अधर्म का निर्णय लेना बड़ा कठिन हो गया हो, ये धर्म है या ये धर्म है, ये सत्य है या ये असत्य है। मेरे हिसाब से आपके जीवन में ऐसा मार्ग कभी नहीं आया हो, लेकिन हमने पर परीक्षा दी है और बार बार प्रार्थना की है उस परम पिता परमेश्वर से, हे परम पिता, हे अनंत, हे गुरुदेव, आप इन छोटे छोटे जीवों की परीक्षा मतलब ये नहीं दे पाएंगे, मैं भी इसे काबिल नहीं हूं कि आपकी परीक्षा में सफल हो पाऊं। हे परमपिता, आपके आदेश का ही पालन कर सकता हूं, बाकी तो आपकी इच्छा। तो जब निर्णय तोला गया, जब सोचा गया, जब विचार हुआ, बहुत से विचार पैदा हुए, बहुत सी चहल पहल हुई, बहुत से लोग भ्रमित हुए, शायद उस समय कोई भी जीव था नहीं हमारे साथ, लेकिन जिस दिन वो सच्चाई स्वीकार हुई, क्योंकि इसमें मेरा स्वार्थ होता, उसका आदेश का पालन नहीं होता, तो सब कुछ बर्बाद होता चला गया होता, न शक्ति होती, न तेज होता, न ज्ञान होता, न परमात्मा होता, लेकिन उसके आदेश के कारण, उस सत्य के कारण, उस धर्म के मार्ग के कारण और उस तपस्या के कारण, उस त्याग के कारण और उस विचार के कारण, शायद उस परमपिता परमेश्वर ने, उस दाता ने इतनी ताकत सौंप दी कि मैं ही नहीं सोच पा रहा हूं, मैं ही नहीं समझ पा रहा हूं कि उस परमात्मा ने कह दिया, क्योंकि उस दादा ने इतनी मेहर की है, शायद आप सब लोग जानते होंगे और आपने अनुभव भी किया होगा, जो कोई भी नहीं कर पा रहा, जहां तक साइंस सोच सोच के बंद हो जाता है, जहां साइंस का विचार खत्म हो जाता है, वहां अध्यात्म की एक दृष्टि उस परमात्मा ने इतनी ताकत दी है, उसकी कृपा इतनी हुई जो आप सब लोगों के ऊपर बरस रहे हैं, ये तो शुरुआत है, उस ताकत का अंदाजा तो आपको लगता चला जाएगा, लेकिन आपको शायद, मैं ये परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आपको इस प्रकार की परीक्षा से नहीं गुजरना पड़े, आपको इस